एचबीसी की खबर के बाद जागी अजमेर पुलिस। किशनगढ़ के बड़गांव में देह व्यापार के अड्डे पर छापा, 15 को किया गिरफ्तार। राजधानी में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक व्यापारी ने सरेंडर किए 47 करोड़ रुपए, बढ़ सकता है काली कमाई का आंकड़ा। जोधपुर में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संकट के बादल, एयरफोर्स ने जमीन की एनओसी देने से किया इनकार, सुरक्षा का दिया हवाला। प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 198 विधायकों ने डाले वोट, कानूनी बंदिशों के चलते मदेड़ना और मलखान रहे वंचित, उपराष्ट्रपति पद को लेकर गहलोत वसुंधरा में बयानबाजी। और प्रदेश भर में मनाई गई हरियाली अमावस्या, लेकिन नहीं हुए मेहरबान बद्रा, बिना बारिश के ही लेक सिटी में 2 दिवसीय मेला शुरू। नमस्कार, मारी सिटी में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं शिखर चौधरी। और सबसे पहले खबरों में बात करते हैं ख्वाजा नगरी अजमेर की, और बात करते हैं एचबीसी न्यूज की खबर के असर की। तो हमने आपको दिखाया था कि अजमेर जिले के किशनगढ़ तहसील में स्थित बड़गांव में देह व्यापार का काम चल रहा था, जिसकी जानकारी होने के बावजूद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। लेकिन एचबीसी पर खबर दिखाए जाने के बाद आज अजमेर रेंज आईजी ने अनिल पानीवाल ने के निर्देशों के बाद पुलिस बल ने गांव में दबिश दी और देह व्यापार में लिप्त 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी भी कई सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पुलिस ने सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए 15 को ही गिरफ्तार किया, लेकिन देह व्यापार में लिप्त महिलाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अजमेर के पास लीडी से लापता हुई एक प्रेमी युगल को अचेत अवस्था में बरामद कर लिया गया है, जिन्हें उपचार के लिए जेलन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि मामले में पुलिस प्रेम प्रसंगों के चलते विषाक्त पदार्थ का सेवन करना बता रही है। वहीं लड़की के परिजनों ने 2 दिन पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रात को सूचना मिली थी कि लड़की एक लड़के के साथ जो उसी के गांव का छोटू नाम का, उसके साथ जो है गांव के बाहर खेत में स्थित एक कुएं पर वो देखे गए। इस सूचना पर जब पुलिस वहां पहुंची तो दोनों, वो लड़का और ये लड़की, गुमशुदा जो लड़की थी, ये दोनों अचेत अवस्था में पुलिस को मिले हैं। दोनों को जेल एंड हॉस्पिटल अजमेर में भर्ती कराया गया है। दोनों भी जेल इलाज हैं। इलाज के उपरांत लड़की जब बयान देने लायक स्थिति में हो जाएगी, उसके बाद उसके बयान लेके। टीम अन्ना के समर्थन में अजमेर में भी 25 जुलाई को आंदोलन की शुरुआत होगी, लेकिन फिलहाल इसके लिए टीम अन्ना को परमिशन नहीं मिली है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कार्यकर्ता कीर्ति पाठक ने बताया कि टीम अन्ना की रणनीति के अनुसार अजमेर संभाग मुख्यालय होने के कारण यहां अधिक लोगों के जुटने की संभावना है। इस दौरान यहां कई युवा अनशन पर भी बैठेंगे। फिलहाल अनुमति उन्हें नहीं मिल पाई है, लेकिन प्रशासन ने आश्वासन उन्हें जरूर दे दिया। अजमेर को इस बार का जो आंदोलन है उसको हम एक संभागीय रुख दे रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि चारों डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जिसमें अजमेर इंक्लूसिव है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स और नागौर, भीलवाड़ा और टोंक, वहाँ से भी कार्यकर्ता इस बार 25 तारीख को एक यहाँ पर ही सारे इकट्ठे हों और 26 से कार्यक्रम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर। रुख करते हैं लेक सिटी उदयपुर का। हरियाली अमावस्या के मौके पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। लेक सिटी उदयपुर में भी फतेह सागर की पाल और सहेलियों की बाड़ी पर मेला भरा रहा। हालांकि इस बार मानसून की बेरुखी के चलते दोनों ही जगहों पर लोगों की आवाजाही कम देखी गई। आपको बता दें कि 2 दिवसीय इस मेले में पहले दिन सभी लोग मेले में जा सकते हैं, जबकि दूसरे दिन केवल महिलाओं को ही प्रवेश दिया जाता है, जिसके लिए पूरे इंतजाम किए जाते हैं। वहीं भीलवाड़ा में भी बारिश नहीं होने के कारण इस बार हरियाली अमावस्या पर हर बार की तरह का माहौल नहीं बन पाया। शहर के पार्कों और हरणी महादेव में लोगों की भीड़ कम देखी गई। राज्य सरकार ने भले ही गुटखे पर पाबंदी लगाकर 25,000 से 10 लाख तक का जुर्माना निश्चित कर दिया हो, लेकिन लेक सिटी के मेले के दौरान इन आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दी। जिस तरह मेले में गुटखे बिक रहे थे, उससे तो लग रहा था कि इन्हें ना तो सरकार का डर है और ना ही किसी जुर्माने का। लेकिन यहां मुख्यमंत्री का बयान सही साबित होगा जब आमजन इसमें भागीदारी ले।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि आधा काम हुआ है और आधा काम जनता को अपनी भागीदारी करके करना होगा। और खबर रुख करते हैं भरतपुर का। भरतपुर में रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5 जगहों पर छापे मारकर 25 घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त कर लिया है। ये सभी सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग में लिए जा रहे थे। प्रवर्तन अधिकारी बनवारीलाल मीणा के नेतृत्व में टीम ने नई मंडी, अटल बंद, हरिदास, लक्ष्मण मंदिर और रेलवे स्टेशन इलाके की दुकानों में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। भरतपुर के एक रिहायशी इलाके में लगे मोबाइल टावर शहरवासियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। पुराने लक्ष्मण मंदिर के पास लगे टावर से फैले रेडिएशन से 2 व्यक्तियों की सेहत बिगड़ गई। चिकित्सकों का कहना है कि रेडिएशन से दोनों ही सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि टावर से फैले दुष्प्रभाव से मानसिक और शारीरिक बीमारियां बढ़ रही हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भूषण अरोड़ा का कहना है कि रेडिएशन किरणों से कैंसर और ब्रेन ट्यूमर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। टावर्स लगे हुए हैं ऐसे रेडिएशन से इमिट करते हैं, जैसे यादगार का कम हो जाना, चमड़ी के रंग का बदल जाना, सुनाई कम देने लग जाना, कमजोरी महसूस करने लग जाना, उल्टी की इच्छा होना। लेकिन अगर लंबे समय तक ये रेडिएशन शरीर को चलते रहते हैं तो ये कैंसर जैसे लक्षण भी पैदा कर सकते हैं। कैंसर लंग, कैंसर स्किन, ब्रेन ट्यूमर तक भी कभी कभी पैदा हो सकता है। मेरे बगल में मेरे मामा जी खड़े हैं, इनको आज से 3-4 साल पहले रेडिएशन के कारण पैरालिसिस हुआ, माइग्रेन हुआ। अभी ये एक तरीके से एक क्या कहना चाहिए, अपनी जिंदगी जी भी रहे हैं लेकिन ढंग से जी भी नहीं पा रहे, जो कि सारा मेन कारण है कि यहाँ पे हमारे यहाँ एक एयरटेल का टॉवर लगा हुआ है। एक तरफ तो प्रदेश में भीषण गर्मी और दूसरी तरफ पेयजल की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी के चलते आए दिन विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। भरतपुर में भी पानी की किल्लत के चलते सेवर जलदाय विभाग कार्यालय पर स्थानीय निवासियों ने तालाबंदी कर दी, जिसके कारण मौके पर मौजूद कर्मचारी कार्यालय में ही बंद हो गए। लोगों ने कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। इसके बाद आला अधिकारियों की समझाइश करने पर लोग शांत हुए और ताला खोला गया। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें एजुकेशन सिटी कोटा से। प्रदेश के सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों को देखते हुए छात्र राजनीति गर्माई हुई है। इसी के चलते आए दिनों कॉलेज में छात्र नेता प्रदर्शन में आगे हो रहे हैं। कोटा में भी गुरुवार को सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने एक बार फिर से वीरुगिरिध का सहारा लिया, जिसके तहत विज्ञान नगर में बनी पानी की टंकी पर 3 छात्र चढ़ गए। वहीं छात्रों ने विरोध में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी किया। काफी मशक्कत और प्रशासन की समझाइश के बाद ये छात्र नीचे उतरे। कोटा में वार्ड नंबर 16 के निवासी इन दिनों अपने ही पार्षद को लेकर काफी परेशान हैं। हम आपको बता दें कि पार्षद रोहित जाटव लड़की भगाने के आरोप में जेल में बंद है। इसी के चलते वार्डवासी अब नगर निगम से पार्षद का विकल्प मांग रहे हैं। गुरुवार को भी महिलाओं ने निगम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। लोगों ने पार्षद की गैर मौजूदगी में काम नहीं होने का आरोप लगाया है। वहीं महापौर ने लोगों को जल्द ही समस्या से निराकरण का आश्वासन दिया। एक साल से हमारे पार्षद महोदय नहीं थे, उन्हीं की वजह से हम लोग काफी परेशान थे। एक साल तक तो हम लोगों ने जैसे ना तैसे चलाया, लेकिन अभी राशन कार्ड की प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हुई तो हम लोग बहुत परेशान थे। वो एक लड़की को लेके शायद ऐसा सुना है पेपरों में भी जो पढ़ा है, एक लड़की को लेके बांट रहे हैं। बारापुर के निवासी यहाँ आए थे
उन्होंने समस्या बताई कि उनके राशन कार्ड में साइन करने के लिए पार्षद महोदय नहीं है। तो मैंने कहा तो बहुत छोटी सी बात है, आप मैं आ जाऊँगी। और मैंने अभी आज ही उनको 5 बजे का समय दिया है, मैं वहाँ खुद जाऊँगी और जो भी राशन कार्ड जो भी जहाँ भी साइन की जरूरत है पार्षद के वहाँ मैं खुद साइन करूँगी। कोटा में गत दिनों करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी निर्माण के दौरान हुए हादसे से नाराज शिवसेना कार्यालयों कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कोचिंग के बाहर गृहमंत्री वीरेंद्र बेनीवाल का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से 6 श्रमिकों की मौत हो गई थी। शिवसेना ने सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि मामले को दबाने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं अब तक मृतक के परिजनों को आर्थिक मुआवजे की स्थिति भी स्पष्ट नहीं की गई है। प्रदर्शनकारियों ने आश्रितों को जल्द मुआवजा देने की मांग की। मजदूर मर गए, 30 मजदूर घायल हो गए। पुलिस प्रशासन ने रफा दफा कर दिया मुकदमे को। मुकदमा दर्ज होना चाहिए कैरियर पॉइंट ठेकेदार और मजदूरों को, जो पुलिस प्रशासन इसमें सहयोग कर रही है, इन सबके ऊपर निष्पक्ष जांच की शिवसेना ने मांग करते हुए ये 5वां आंदोलन है और ये जन आंदोलन भी हो सकता। और बात करते हैं नवाबी नगरी टॉक की। उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान वे दरबार स्कूल पहुंचे जहां उन्होंने 1944 में पढ़ाई की थी। इस मौके पर उन्होंने अपने अनुभव बांटते हुए कहा कि उन्होंने यहां आकर अपने बचपन से जुड़ी यादों को ताजा किया है। साथ ही उन्होंने आज के राजनेताओं पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि कुरैशी के दादा टोंक में नाजिम रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दरबार स्कूल में पढ़ाई की थी। कुरैशी के स्कूल पहुंचने पर स्टाफ ने उनका भव्य स्वागत भी किया। टोंक का कल्चर, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, एकता, अमन, शांति। नीरज एक कवि हैं हिंदी के, सुना होगा आपने, उनकी कविता है, आदमी तुम हो के उठो आदमी को प्यार दो, आदमी तुम हो के उठो आदमी को प्यार दो, रोते हुए आंसुओं की आरती उतार लो, प्यार दो दुलार दो। वो 2009 में भी यहाँ पर पधारे थे और पुनः यहाँ पर पधार रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। उन्होंने 1945 और 50 के बीच में यहाँ पर अध्ययन किया था। और खबरों में रुक करते हैं अलवर का। अलवर में तेज गर्मी के साथ ही आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। ऐसी एक घटना गुरुवार को एसएमडी सर्किल के पास घटित हुई, जब दिल्ली से जयपुर जाते समय एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। घटना के तुरंत बाद सभी यात्री बाहर निकल आए। बस के परिचालक के अनुसार ऑयल बॉक्स में तेल खत्म हो जाने के कारण ये घटना घटित हुई, लेकिन चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं दूसरी ओर अलवर के सबसे व्यस्त मार्केट चूड़ी बाजार में स्थित एक शोरूम में भी आग लग गई। दुकानदार के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। वहीं बाजार कमेटी के अध्यक्ष ने दमकल और पुलिस पर सूचना के बावजूद नहीं पहुंचने का आरोप लगाया। अलवर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा को लेकर उठा विवाद फिर गर्माने लगा है। मामले में जेल की सजा काट चुके 59 लोगों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एक बैठक की और सरकार की ओर से मुकदमे वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इन लोगों ने आरोप लगाया कि मुकदमों के चलते अब लगातार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। गुरुवार को भी पेशी से आए इन लोगों ने एक बैठक आयोजित करके आक्रोश जताया। वहीं किसान पक्ष के वकील ने भी सरकार पर समाज को बहकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मुकदमे वापस लेने के आश्वासन के बावजूद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है, जिससे समाज में आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई है। वोर साहब ने ये आश्वासन दिया था कि अगले सप्ताह में 1-7 दिन में मैं आपके मुकदमा को वापस ले लूँगा, और यही चंद्रभान जी वगैरह के पास भी लोग गए थे, उन्होंने कहा कि मुकदमा वापस ले लेंगे। मेरा अनुरोध है राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान सरकार से कि ये 59 आदमी है, निर्दोष किसान है, गरीब तबके के किसान है, नरेगा में काम करते हैं, इन लोगों को बेजा प्रशासन ने फंसाया है। इनका मुकदमा निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार को, हिंदुस्तान सरकार को।